कोरोना काल में भले परिस्थितियां बदल गई हों, लेकिन देश प्रेम का जज्बा कम नहीं हुआ। देश भर में 74वां स्वतंत्रता दिवस सादगी के साथ मनाया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से तिरंगा फहराया, तो वहीं देवभूमि उत्तराखंड भी आजादी के जश्न में डूबी नजर आई। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में तीर्थ पुरोहितों ने जहां ध्वजारोहण किया, तो वहीं बाबा केदारनाथ के धाम में भी शान से तिरंगा लहराता नजर आया। करोड़ों हिंदुओं के आस्था के प्रतीक समुद्र तल से 11,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित बाबा केदारनाथ धाम में भी स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया गया। तो इस खास मौके पर पुलिस जवान, तीर्थ पुरोहित और देवस्थानम बोर्ड के सदस्य भी मौजूद रहे। सभी ने ध्वजारोहण के बाद बाबा केदारनाथ से देश की सुख समृद्धि की कामना भी की। बाबा केदारनाथ के इस पावन धाम की हिंदू धर्म में कितनी मान्यताएं हैं, कितना पुराना इस भारत का इतिहास है, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खास पेशकश। केदारनाथ, महादेव का धाम, सदियों से हिंदुओं का महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल रहा है। मंदाकिनी और सरस्वती नदियों के संगम पर केदार घाटी में स्थित यह प्राचीन मंदिर 2500 वर्षों के इतिहास के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कहते हैं इस जगह पर शिव के नाम का उच्चारण मात्र करने से आत्मा अंतर्मुक्त होती है। सदियों से इस स्थल पर होती साधना व शिवलिंग की लौकिक ऊर्जा इस धाम को विशेष बनाती है। परंतु जैसे जैसे इंसानों का भौतिक प्रभाव बढ़ता गया, इसकी गरिमा विवर्ण होती गई है। जून 2013 में आई विनाशक बाढ़ ने केदारनाथ का दृश्य बदल दिया। हजारों लोगों की मृत्यु हुई और लगभग सभी इमारतें ढह गईं। पानी के प्रभाव से केदारनाथ ग्राम के क्षेत्रफल में भी बदलाव आया। 21 एकड़ में फैला यह कस्बा अब 13 एकड़ में सिमट गया। यह दृश्य 19वीं सदी का है, जब मंदिर का गरिमामयी रूप दूर से ही दर्शित होता था। उसके पीछे की ऊंची बर्फीली पहाड़ियां दृश्य की भव्यता को और बढ़ाती थीं। फिर धीरे धीरे इसके चारों ओर मकान बन गए और मंदिर मानो कहीं छिप गया। आज बाढ़ के बाद मंदिर का नवसर्जन हुआ है और इसी के साथ हमें एक अवसर मिला है उस खोई हुई गरिमा की पुनः संरचना करने का। केदारनाथ घाटी प्राकृतिक प्रमाणों पर संवेदनशील है और विशेषज्ञों का मानना है कि यहाँ प्राकृतिक आपदाओं का संकट निरंतर है, इसलिए केदारनाथ का पुनर्विकास नियंत्रित अत्यंत आवश्यक है। साथ ही पुनर्विकास कार्य मंदिर और उससे संबंधित गतिविधियों के अनुरूप भी होना चाहिए। मंदिर के उत्तर की ओर एक वैकल्पिक मार्ग की तरह सेना का हेलीपैड भी बनाया गया है। कस्बे के दक्षिण में यात्रियों के लिए हेलीपैड की सुविधा दी गई है, जहां से यात्री बेस कैंप से केदारनाथ आते हुए नए मार्ग पर जुड़ते हैं। प्रस्तावित मास्टर प्लान बाढ़ सुरक्षा एवं मंदिर की गतिविधियों के अनुरूप है। इसके तहत बाढ़ सुरक्षा को अधिकतम महत्व देना चाहिए। त्रिस्तरीय पुश्ता दीवार घाटी के दोनों ओर बनने से भविष्य में आपदाओं से सुरक्षा मिलेगी और ऐसी त्रासदी होने से बचाव करेगी। प्रस्तावित विकास योजना क्षेत्र के तलरूप के अनुरूप है। इसके तहत मंदिर का दृश्य अक्ष खुला रखा गया है। यह दृश्य अक्ष एक भव्य रेखा के समान होगा। दोनों नदियों के संगम पर और दृश्य अक्ष की शुरुआत में एक छतरी का निर्माण होगा, जिसमें
शिव जी के डमरू और त्रिशूल की स्थापना की जाएगी। मंदिर के ऐतिहासिक रूप को बनाए रखने के लिए उसके पीछे व दोनों तरफ निर्माण निषिद्ध होगा और बाढ़ दुर्घटनाग्रस्त लोगों की याद में स्मृति उद्यान भी बनाया जाएगा। यहां बाढ़ से बचाव और परिक्रमा के लिए एक स्तंभ वली की रचना की जाएगी। पूर्व दिशा की ओर सरस्वती नदी के किनारे घाट का निर्माण होगा। इसमें इमारतों को उत्तर दक्षिण दिशा में संरेखित किया गया है, जो कि नदी के बहाव समानांतर है। इससे भविष्य में बाढ़ के पानी में रुकावट कम आएगी और घाटी में न्यूनतम क्षति होगी। इमारतों का निर्माण स्थानीय लकड़ी व पत्थर से किया जाएगा। एक नवीन आदि शंकराचार्य स्मारक, जो कि पश्चिम दिशा में मंदाकिनी नदी के समीप और मंदिर के पास मेडिटेशन सेंटर और मेमोरियल का निर्माण भी प्रस्तावित है। केदारनाथ के प्राकृतिक और धार्मिक प्रमाणों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित मास्टर प्लान का प्रारूप बनाया गया है। पदयात्रा अथवा हेलीपैड से आने वाले तीर्थयात्री मंदाकिनी और सरस्वती नदी के संगम को पार करके आते हैं। खुले दृश्य अक्ष से वे संगम से ही मंदिर के दर्शन कर पाएंगे। एक लंबी और थकान भरी यात्रा के बाद यह अद्भुत दृश्य तीर्थयात्रियों का स्वागत करेगा। संगम से मंदिर तक का अंतिम 900 फीट का पड़ाव एक अद्भुत अनुभव होगा। यहाँ 40 फीट चौड़ा मार्ग, जिसके दोनों तरफ तीर्थयात्रियों के बैठने व आराम करने के लिए सुविधाएं बनाई जाएंगी। भव्य रेखा के आसपास पूजा सामग्री व अन्य दैनिक आवश्यकताओं के लिए हाट की भी व्यवस्था होगी। यात्रियों के लिए सार्वजनिक सुविधाएं जैसे कि डिस्पेंसरी, पोस्ट ऑफिस इत्यादि इस हाट के आसपास दी गई हैं। भव्य रेखा के दोनों ओर नई इमारतों का निर्माण यहां की पद्धति व पर्यावरण के अनुसार होगा। मंदिर के सामने एक प्लाजा बनाने का भी प्रस्ताव है। इसके एक ओर मेडिटेशन सेंटर और दूसरी ओर मेमोरियल बनाया जाएगा। सरस्वती नदी के तट पर यात्रियों के लिए घाट का निर्माण किया जाएगा, जहां पूजा करने की सुविधाएं होंगी। यात्रियों के लिए मंदिर के पीछे एक स्तंभ वली और स्मृति उद्यान भी बनाया जाएगा। यह निर्माण योजना मात्र भौतिक सुविधाओं को ध्यान में रखकर नहीं, यद्यपि इस स्थल की लौकिक व तीर्थ यात्रियों की आंतरिक ऊर्जा को पुनः जागृत करने का एक प्रयास है।
यदि ब्रह्मांड संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है तो हमें यह सुनिश्चित करने के लिए सहायता करनी चाहिए कि अच्छाई का शोषण ना हो, वरना ब्रह्मांड स्वयं का विरोध करने के लिए बुराई पैदा करके खुद को पुनर्जन्म करेगा। बुराई का उद्देश्य है, यह अच्छाई को संतुलित करता है।